तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता तो हम लोग सब सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान के कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के सस्पेंशन के बारे में। यह मामला हाल ही में राजस्थान के विधानसभा में काफी चर्चा का विषय रहा है। आइए जानते हैं इस घटना के सभी पहलुओं के बारे में। इस पूरे मामले की शुरुआत विधानसभा में एक विवाद से हुई। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन की कार्यवाही के दौरान अशोभनीय व्यवहार के आरोप में वर्तमान सत्र से निलंबित कर दिया गया। जब उन्हें सदन से बाहर निकालने की कोशिश की गई तो कांग्रेस विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई विधायक घायल हो गए और एक महिला सुरक्षा कर्मी के हाथ की चूड़ियां भी टूट गई। इस घटना के बाद मुकेश भाकर ने सदन छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। अगले दिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुकेश भाकर का सस्पेंशन 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, जो प्रश्न जो है ना वो बहुत गंभीर है। आप हम अभी आपको प्रस्ताव पेश कर देते हैं, आप कल आप मैं उसका परीक्षण कराऊंगा, उसके बाद व्यवस्था दूंगा। अब परीक्षण तो सारी चीज है, आपके कहने परीक्षण तो विधि परीक्षण तो मेरा काम है, तो सरकार जवाब दे दे, हम गलत कह रहे हैं तो परीक्षण करा के उसके बाद हम अगर कोई बात गलत उठा रहे हैं दूंगा, ये क्लियर आपका कहीं भी जाके देखो। आपको यही करना है, तो यही करना है आपको, जाना बहिर्गमन करके वापिस आ जाओ। ज्यादा अरे तुम बैठो बैठो, तमाशा करो, बैठो आई विल नेम यू। अरे क्या तुम नाम लेने के बाद इस सदन में प्रवेश नहीं कर पाओगे? मैं उस सदस्य का नाम ले रहा हूँ, आपके कहने का रुक जाऊँ मैं अभी सदन में कभी पाँव नहीं रख पाओगे। अध्यक्ष जी बता रहा हूँ, ये चप्पल ये मेरे साथ नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी गुस्सा मत करो, आप गुस्सा मत करो, तुम बैठो, मैं तुम्हें आप गुस्सा मत करो, ये कहना सबको आता है, ये तमाशा। इसका माननीय संसदीय मंत्री माननीय अध्यक्ष जी भाजपा ने उन पर सोमवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई हाथापाई के दौरान एक महिला सहित 2 सुरक्षा कर्मियों को काटने का आरोप भी लगाया। मेरे दांत देखो काटने जैसे हैं, लग रहे हैं। उसके मैं वो करवा लो, टेस्ट करवा लो, मैं तैयार बैठा हूँ खुद ही काट के। ये तो बातें बनानी है उनके लोगों ने, जो हमारी महिला विधायकों के साथ बदतमीजी की। मुकेश भाकर के सस्पेंशन के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में रात भर धरना दिया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्यवाही को असंवैधानिक और विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश करार दिया। और मेरे से पूर्व सदस्य ने कहा कि कबीरा का एक दोहा पड़ा कि 2 पाटों के बीच में जो आ गए वो बचा नहीं, लेकिन आपके तो पाट 3-3 हो रहे हैं। आप जरूर बच के रहना, किसी पाट के नीचे आप लोग नहीं आ जाएं। और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो त्रिचंद कृपलानी और हरलाल सारण दोनों बार बार उनको टोक रहे थे, बीच में खड़े होकर बोल रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है तो आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब आपका नेता बोलता तो हम लोग सब सुनते हैं, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। उतने में पूरी भाजपा खड़ी हो गई और स्पीकर साहब को पता नहीं पहले से ये तय करके आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2-3 बार यूं कह दिया कि आप शांति से बैठ जाइए, क्योंकि भाजपा के मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे, विधानसभा में पूरी तरह से भाजपा सरकार फेल हो रही है, उसको बचाव कैसे किया जाए, इसको लेकर पूरी जिम्मेदारी स्पीकर ने ऊपर अपने ऊपर ले रखी थी। पहले से बार बार ये करते विश्वविद्यालय से आए हुए छात्र नेता, तुम सुधर जाओ तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। और जिस तरीके से बिना वोटिंग और जिस जल्दबाजी में कल सस्पेंशन हुआ, कल मार्शलों द्वारा जिस तरीके का बर्ताव हमारी महिला विधायकों के साथ, बुजुर्ग हमारे जितने भी विधायक थे उनके साथ किया गया, एक जैसे सड़क पर झगड़ा होता उस तरीके की नौबत सदन में आई, और उसके बाद गतिरोध तोड़ने की बजाय भाजपा सरकार, भाजपा के मंत्री और स्वयं स्पीकर, आज उनका बयान देखिए कि कांग्रेसी जब आप पद पर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि पक्ष और विपक्ष आप भाषा का उपयोग करें, कांग्रेस ये इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें घटी और उसके बाद आज वापस से वो सुबह मुख्यमंत्री जी 10 बजे सदन में आते हैं, विधायक दल की मीटिंग लेते हैं और ये चाहते थे कि हम खड़े होकर माफी मांगे, मैं उठ के बाहर आ जाऊं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे नेता
टीकाराम जूली जी, सीएलपी लीडर सब ने जिस मजबूती के साथ संविधान की रक्षा के लिए और इन भाजपा के लोगों को ये मैसेज देने के लिए जिस तरीके से रात भर सदन में डटे रहे, वो इनसे सहन नहीं हुआ। और बौखलाहट में आज भी आप पूरी प्रोसीडिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, जब कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले स्पीकर है वो वोटिंग करवाता है और उसके बाद सस्पेंशन होता है। उन्होंने जिस जल्दबाजी में किया, असंवैधानिक तरीके से किया, पूरी पार्टी जिस तरीके से एकजुट है, आगे के आंदोलन के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे, पूरे सीनियर नेताओं के साथ बैठकर किस तरीके से असंवैधानिक निर्णय लिया है, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग रणनीति बनाएंगे।